हेलो फ्रेंड्स, मायापुरी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। कांस में दीपिका के जलवे। दीपिका ने कांस के लिए डिजाइनर जुहैर मुराद का ब्राइडल गाउन चूज किया, जिसमें वो खूबसूरत और हॉट लग रही थी। पम्मी आंटी ने मनाया बर्थडे। समीर पसरीचा यानी पम्मी आंटी ने अपना 39वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया। हनीमून पर नहीं जाएंगी सोनम। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा कि शूटिंग, उसके बाद वीरे दी वेडिंग का प्रमोशन, फिर अगस्त में द लकीर सलमान की शूटिंग पूरी करके हनीमून के लिए सोनम अक्टूबर नवंबर में जाएंगी। सलीम ने बताई सलमान के शादी न करने की वजह। सलीम खान ने बताया सलमान के किसी रिलेशन की शुरुआत में सब ठीक होता है, लेकिन कुछ समय बाद सलमान उस लड़की में अपनी माँ को देखने लगते हैं, बस यहीं से मामला खराब हो जाता है। जैकलीन की कार को मारी टक्कर। जैकलीन सलमान खान के घर पार्टी में गई थी, जैसे ही वो उनके घर से निकली, एक ऑटो ड्राइवर जो नशे में था उसने पीछे से टक्कर मार दी। राजनीति करेंगी कैटरीना। कैटरीना कैफ अब नई राजनीति खेलने जा रही है। पहले भी कैटरीना ने राजनीति की है, हम बात कर रहे हैं प्रकाश झा की फिल्म राजनीति के सीक्वल की। जल्द रिलीज होगा रेस 3 का ट्रेलर। फिल्म रेस 3 की टीम ने जो ट्रेलर बनाया था वो सलमान को पसंद नहीं आया और उन्होंने एडिटिंग को थोड़ा और स्पेशल बनाने के निर्देश दिए हैं। हिमेश रेशमिया ने की शादी। हिमेश रेशमिया ने अपनी गर्लफ्रेंड सोनिया कपूर से शादी कर ली है। हिमेश ने अपने घर की छत पर ही सोनिया कपूर से शादी की सारी रस्में अदा की। पापा के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी सोनम। सोनम कपूर अपने पापा अनिल कपूर के साथ एक फिल्म करेंगी, जिसका नाम है एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। इंडियाज मोस्ट वांटेड अर्जुन कपूर। अर्जुन कपूर फिल्म इंडियाज मोस्ट वांटेड में नजर आएंगी। ये उन सभी नायकों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया। तेज रफ्तार की कहानी। फिल्म तेज रफ्तार स्लम एरिया में रहने वाले लड़की की कहानी पर आधारित है, जो स्टेट लेवल का एथलीट बनने के लिए जाने माने कोच से ट्रेनिंग लेता है। मदर्स डे पर टीवी की पार्वती। आकांक्षा पुरी ने विघ्नहर्ता गणेश में पार्वती की भूमिका निभाई है। उनका कहना है मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी पाया है वो अपनी माँ की बदौलत है। अनूप ने किया माँ को याद। मदर्स डे पर अनूप उर्फ मुरारी ने कहा मैंने एक बार मंदिर से 20 रुपए चुरा लिए, जब माँ ने मुझे डांटा तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। विवाद फैलाते हैं करण जौहर। रणबीर ने कहा कि करण अपने शो कॉफी विद करण के जरिए लोगों को आपस में लड़ाकर मोटा पैसा छापते हैं, शो में वो दोबारा कभी नहीं जाएंगे। वेब सीरीज के लिए 50 करोड़। एकता रवि किशन के साथ एक वेब सीरीज ला रही है, वेब सीरीज का नाम है द फैमिली। एकता ने इस पर पूरे 50 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। एवेंजर्स का मेकिंग वीडियो। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह फिल्म की शूटिंग हो रही है और किन तकनीकों का सहारा लेकर फिल्म एडिट की गई है। ये VFX काफी एक्सपेंसिव है। ऑपरेशन रेड सी जून में। चीन की फिल्म ऑपरेशन रेड सी भारत में 1 जून को रिलीज होगी। ये फिल्म 2015 के गृह युद्ध पर आधारित है। फिल्म हरजीता का प्रमोशन। फिल्म हरजीता भारतीय हॉकी खिलाड़ी हरजीत सिंह की कहानी पर आधारित है, जिन्होंने वर्ष 2016 के पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप में भारतीय टीम का नेतृत्व किया था। टीवी पर आ रही है मुस्कान। स्टार भारत पर माँ बेटी के बीच की कहानी मुस्कान जल्द शुरू हो रही है, जिसमें लवीना टंडन एक अहम किरदार सुजैन के रूप में नजर आएंगी। चित्रकार हुए सम्मानित। मेघ मंडल संस्थान वंचित बच्चों और उनके सुधार की दिशा में योगदान देने के अलावा संस्थान भारतीय कला संस्कृति और परंपराओं को भी संरक्षित करने का कार्य कर रही है। अपहरण की शूटिंग शुरू। ऑल्ट बालाजी के वेब सीरीज में वो एक ऐसे अपराधी की भूमिका निभाएंगे जो पहले पुलिस अधिकारी रह चुका है। अरुणोदय ने सस्पेंस थ्रिलर के लिए शूटिंग शुरू कर दी है। अस्थि पहुंची कांस फिल्म फेस्टिवल। कांस फिल्म समारोह में फिल्म अस्थि इस कॉर्नर के लिए चुनी गई है। अस्थि एक बेटी की कहानी है जो अपनी माँ के अवशेषों से अलग होने को तैयार नहीं। छोटे पर्दे पर गाएंगे अरिजीत। अरिजीत सिंह की आवाज अब आपको छोटे पर्दे पर भी सुनने को मिलेगी। टीवी पर आने वाले शो कृष्णा चली लंदन का टाइटल ट्रैक अरिजीत की आवाज में रिकॉर्ड किया जाएगा। मायापुरी न्यूज रील में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे इसी समय। देखते रहिए मायापुरी कट।